वेलकम टू ए बी सी कैंपस आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई के एफ स्प्रिंग 2023 की ट्वेंटी से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन का टाइटल है डव्स एंड कंपनी क्वेश्चन है कि डव्स एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म एंगेज इन द सेलिंग ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ पैटबर्ड्स द फर्म्स ऑपरेशन आर मैनेज बाई टू पार्टनर्स नेमली फैजान एंड उसामा तो एक तो ये पार्टनरशिप फर्म का कॉन्टेक्स्ट हो गया इसको जहन में रख लेते हैं दूसरा है कि हारून अ स्पेशलिस्ट बर्ड कीपर ओन्स एन एवियरी वेयर ही कीप्स एग्जॉटिक बर्ड्स इन ऑर्डर टू सोर्स बर्ड्स फ्रॉम एब्रॉड फेजान प्लान पॉइंट हारून एज डी एजेंट इन फैसलाबाद फॉर परचेजिंग हंड्रेड बर्ड्स पर वीक एंड कीपिंग दैम इन कस्टडी अंटिल द बर्ड्स आर सोल्ड तो एजेंट अपॉइंट करना चाहते हैं हारून को और किस मकसद के लिए करना चाहते हैं परचेज ऑफ बर्ड्स के लिए और उनकी कस्टडी के लिए अंटिल वो सेल हो जाए अब रिक्वायरमेंट क्या है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू ब्रीफली एक्सप्लेन हारून अथॉरिटी हारून कौन है एजेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिज़नेस तो अगर हम हारून की अथॉरिटी को डिस्कस करते हैं तो uh, किसी भी एजेंट की तीन टाइप की अथॉरिटीज होंगी नंबर वन एक्सप्रेस अथॉरिटी तो हारून शेल एफ एक्सप्रेस अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डीसी बिजनेस टू द बर्ड्स एंड कीप दैम कस्टडी एंड इज एज एक्सप्रेस बाई वर्ड्स स्पोकन और रिटर्न तो फैजान और उसामा यानी डव्स एंड कंपनी की तरफ से जो भी एक्सप्रेस अथॉरिटी दी जाएगी बाई वर्ड्स स्पोकन और रिटर्न हारून को हारून वो काम कर सकता है जो कि यहाँ पर उन्होंने मैंशन किया हुआ है कि परचेज करने का काम है और उनको कस्टडी में रखने का काम है जब तक सेल नहीं हो जाते दूसरी चीज़ होती है इंप्लाइड अथॉरिटी हारून शेल है इम्प्लाइड अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डीसीज बिजनेस टू डू एवरी लॉफुल थिंग लॉफुल होनी चाहिए फॉर द परपज ऑफ कैरिंग आउट हिज़ ड्यूटी एज एन एजेंट एज डन इन कंडक्ट ऑफ सच बिजनेस फॉर एग्जाम्पल परचेज करने से रिलेटेड ये हो सकता है कि जिससे बाई कर रही हूँ वहां पर कमीशन देना पड़े इसी तरह कस्टडी में रखने के लिए जाहरी बात है कि उन बर्ड्स को फीड भी करना पड़ेगा उसके लिए रेलिवेंट जो फीड खरीदना और उनकी जो है ना मैंटेनेस को देखना वो भी जो होगा तो जो इस टाइप के बिजनेस में यूजली किया जाता है वो इम्प्लॉइड अथॉरिटी भी हारून के पास होगी और थर्ड है अथॉरिटी इन केस ऑफ एमरजेंसी तो हारून हैव अथॉरिटी इन केस ऑफ एमरजेंसी टू तो डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग डी सी फ्रॉम प्रोडेंशियल प्रौं लॉस जो कि कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन अपने मामले में सिमिलर सर्कमस्टांसिस के अंदर करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि बर्ड्स की वैक्सीनेशन इमीडिएटली करवाना जरूरी है और डी सी के साथ जो है उनकी कम्युनिकेशन फॉरेन पॉसिबल नहीं है तो वो वैक्सीनेशन वगैरह करवाना भी जो है वो अथॉरिटी में आएगा हर उनकी क्योंकि अदरवाइज बर्ड्स की डेथ से लॉस हो जाएगा डव्ज एंड कंपनी को तो ये तीन अथॉरिटीज़ इसमें हमें मेंशन करनी चाहिए स्पेसिफिकली अलग अलग हेडिंग्स के साथ कर दें स्ट्रेट फॉरवर्ड पैराग्राफ में कर दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो ये सोलूशन है सजेस्टेड हमारे हिसाब से हैव अ गुड डे